नमस्कार। नमस्कार। मैं आज जन सरोकार मंच टोंक के साक्षात्कार कार्यक्रम में डॉक्टर आशा गुप्ता जी से आपका परिचय करा रहा हूं। डॉक्टर आशा गुप्ता मूल रूप से महिला चिकित्सक हैं और बिहार के झारखंड के एक अत्यंत प्रतिष्ठित अस्पताल में, जो टाटा उद्योग समूह का अस्पताल है, इसमें महिला चिकित्सक के तौर पर ये कार्यरत हैं। डॉक्टर आशा गुप्ता जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर आशा नमस्कार जी। गुप्ता, मैं आपसे नमस्कार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने बारे में बताएं। आप कहाँ की रहने वाली हैं, जमशेदपुर में कब से रह रही हैं, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ संपन्न हुई, अपने घर परिवार के बारे में भी आप बताएं, अपने लेखन के बारे में बताएं। ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि राजीव कुमार झा जी कि मुझे आपने साक्षात्कार के लिए बुलाया और आपको आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर आशा गुप्ता हूँ और मेरा साहित्यिक उपनाम मैंने श्रेया जोड़ा है। और मैं वैसे तो बनारस की रहने वाली हूँ और बट मेरे मेरे पिताजी डॉक्टर प्रभुनाथ प्रसाद जो अब नहीं है वो रांची HEC में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में एक उच्च पदाधिकारी थे। वो VP हुए हुए और हमारी मेरी शादी +2 में ही हो गई। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मैं 12वीं दे रही थी और मेरी शादी हुई मेरे पति डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी से जो कि खुद MBBS पूरा कर रहे थे। और मैं उस समय हमारे समय में कंपटीशन शुरू हो गया था नेशनल लेवल का। तो मैंने पूना का FMC का और ऑल इंडिया का मैंने कंपटीशन दिया था और मेरे दोनों जगह सिलेक्शन हुआ। तो लेकिन मैंने क्योंकि शादी की बात हो रही थी और FMC में विवाह करके आप पढ़ नहीं सकते हैं उनकी कंडीशन थी, तो इसलिए मैंने मेरा चॉइस का जगह राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची में हुआ और मैंने एडमिशन ली और मैं वहीं से वहीं पे MBBS की, फिर हाउसमैनशिप की। और हमारी गृहस्थ जीवन तो बन नहीं पाई क्योंकि हम लोग वो जॉब कर रहे थे, फिर PG करने गए और मैं पढ़ रही थी। तो इस तरह से हमारी 12 साल तक जिंदगी सेटल नहीं थी। वैसे हमारा एक पुत्र भी हो गया था उस समय और फिर मैं जमशेदपुर में आई। उस समय 3-4 जगह मेरे जॉब थे। फिर मेरे हस्बैंड बोकारो स्टील सिटी में कर रहे थे, वहां से वो जमशेदपुर आए। फिर मैं भी टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर जो 1000 बेड का हॉस्पिटल है वहां पे मैं आके मैंने भी ज्वाइन किया। और फिर हम उसी उसमें भी हम लोग अभी अपनी PG पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई हमें करनी थी तो उसी में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए। उस समय बड़ा अजीब था क्योंकि अर्जुन के तरह मेरा ध्येय था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में होंगी और उस समय मुझे कुछ घाव वगैरह हुआ था जिसके लिए मेरे पिता हॉस्पिटल ले गए थे और उनके सामने मुझे डॉक्टर आके वो उनके जान पहचान उन्होंने आके खुद ही उसका कुछ चीर फाड़ किया था। मेरे हाथ में कहीं हुआ था। मैं इतना इम्प्रेस्ड हुई देख के हॉस्पिटल में उनका। मैंने अपने पिता से कहा कि बाबूजी मुझे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ऐसे ही बनना है। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम जरूर डॉक्टर बनोगी और तुम ठीक से पढ़ाई करना, तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। और ये मेरा लगन रहा और मैंने सचमुच अर्जुन की तरह कह सकते हैं कि शायद कृष्ण भगवान
की तरह या अर्जुन की तरह जो भी हो, मेरे दिमाग में आया कि मुझे बहुत डॉक्टर बनना ही है और मैं उसके लिए बचपन से ही तत्पर थी, अपनी पढ़ाई ध्यान पे ध्यान देती थी, खेलती कूदती भी थी जो एक आम बच्चे करते हैं, उस तरह से भी कर रही थी। और ईश्वर की कृपा रही कि मैं कर पाई, जो मेरा इच्छा था वो इच्छा मेरी पूरी हुई। डॉक्टर आशा गुप्ता, हमारे समाज में जीवन के जितने सारे क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में महिलाएं जो हैं वो अब काम करती हुई दिखाई देती हैं, और चिकित्सा क्षेत्र में तो काफी अधिक संख्या में अब महिलाएं उपस्थित हैं, लेकिन एक दौर था जब बहुत कमी महसूस होती थी महिला चिकित्सकों की। और आपने अपने जीवन का ध्येय चिकित्सा व्यवसाय को चुना, और एक महिला होने के नाते आपने सफलता प्राप्त की इस क्षेत्र में। इसके लिए आप सदैव सबकी प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी, खासतौर से हमारे समाज में जो छात्राएं हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, तो उनके लिए आपका जो जीवन है जो व्यक्तित्व है वह प्रेरणा का स्रोत रहेगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे अस्पताल में आप काम कर रही हैं। और आपने किस क्षेत्र चिकित्सा व्यवसाय में अलग अलग रोगों की और चिकित्सा से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उसमें हाउसमैनशिप ट्रेनिंग करते थे, तो गायनिक में मेरी जो पोस्टिंग हुई, गायनिक मैंने चुना, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स, तो उस समय स्थितियां बहुत खराब थी, औरतों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, बच्चियां आती थी, औरतें आती थी, और हम लोग ने जो हाल देखा, शायद मेरा नेचुरल इंक्लाइनेशन हुआ कि मैं स्त्री रोग में ही विशेषज्ञ का पढ़ाई आगे करूं, और मैंने उसी में किया। लेकिन आजकल का दौर कुछ अलग है, अभी भी स्त्रियां डॉक्टर ही हैं जो ज्यादातर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और कुछ पुरुष भी आ गए हैं, अभी पुरुष भी आ रहे हैं, और स्त्री डॉक्टर्स जो हैं वो अभी अलग अलग ब्रांचेस में जा रहे हैं, जनरल सर्जरी से लेके, न्यूरो सर्जरी से लेके, स्किन से लेके, सब में जा रही हैं। ये बात सही है कि गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स का जो काम है ना वो बहुत ही इमरजेंसी टाइप का कार्य रहता है, तो उसमें आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, आपकी नाइट ड्यूटी होती है, शिफ्ट ड्यूटी होती है, और आपको उसमें तत्परता बनाए रखना पड़ता है, तो घर संभाल के, बच्चों को संभाल के, और वो विषय में, और जहां मैंने काम किया बहुत डिसिप्लिन से काम होता था, टाइम की बहुत पाबंदी थी, समय पे आना है, जाने का कोई समय तय नहीं था, लेकिन अभी मैं बोलूंगी कि कर पाई, और शायद ये शक्ति आई या अंदर से प्रेरणा थी कि काम मैंने किया, और मेरे समान मेरे और भी सहयोगी है स्त्री विशेष विशेषज्ञ महिला जो इस बात को संभाली और कर रही हैं, तो इस पेशे में समर्पण। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि आपने बताया है कि जो गायनी जो क्षेत्र है चिकित्सा सेवा का, तो इसमें बहुत आकस्मिक सेवाओं की जरूरत पड़ती है, खासकर देश के जो भारत में हमारे देश के जो अस्पताल हैं यहाँ पर ऐसे सरकार के द्वारा कोशिश की जाती है कि गायनेकोलॉजिस्ट की सेवाएं यहाँ पर सदैव उपलब्ध रहें, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के पिछड़े कस्बों में गांवों में जो अस्पताल स्थित हैं यहाँ पर ऐसी कोई अलग से कोई सेवा उपलब्ध नहीं है, और मातृत्व से संबंधित प्रसव से संबंधित सेवाओं को संपन्न कराने की निर्भरता जो ANM GNM होती हैं उन पर ही मतलब छोड़ दी जाती है, और यही कारण है कि भारत जैसे देश में आज भी मातृ मृत्यु दर प्रसव के दौरान जो है वो देखने की को मिलता है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो इन सब परिस्थितियों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये परिस्थितियां जैसे हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोग को गांव में भी जाना पड़ता था, तो वाइड रोटेशन जैसे कि लोग काम करते हैं, तो सरकार को कुछ ऑप्शन बनाना होगा कि
बीच बीच में कुछ कुछ टर्न बाय टर्न लोग गांव के तरफ भी जाके करे, लेकिन वहां पर सुविधाओं भी देना पड़ेगा, क्योंकि केवल जाने से नहीं का सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जागरूकता, मुझे आजकल के मोबाइल युग में लगता है कि मोबाइल तो गांव तक ही भी पहुंच गया है, अनलेस कि बहुत रिमोट एरिया हो तो लोगों में औरतों में जागरूकता भी है और जागरूकता जगाना भी आवश्यक है। तो ये आप वीडियो से ऑडियो से बहुत तरह से आप औरतों को अपने संभालने के बारे में कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, क्योंकि खाली गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स नहीं है, औरतों को और भी शारीरिक समस्याएं हैं जिसको वो व्यक्त नहीं कर पाती हैं या कह नहीं पाती हैं लोगों से और सफर करती हैं, तो इसलिए इसकी जानकारी देनी चाहिए और प्रचार प्रसार की जरूरत है। और इसमें खाली डॉक्टर के आने से एक टीम जाए और जो उसको समझाए, घर घर विजिट करे, बीच बीच में विजिट करे, और एनएमएल वाली जो ट्रेनिंग है, अच्छी ट्रेनिंग होगी तो उन लोग संभाल भी लेती हैं और जब जानती हैं कि किस समय उसको डॉक्टर के पास पहुंचाएं या किस समय हॉस्पिटल में जाना है, ये सब बहुत सी बातें हैं। जागरूकता करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर आशा गुप्ता, आप महिलाओं की चिकित्सा से जुड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और आपने बहुत ही शानदार सेवा आपने प्रदान की है। आपने रिम्स में, जो झारखंड का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर आपने शिक्षा प्राप्त की है, यह सब जानकर हमें बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि अब आप अपनी साहित्यिक लेखन के बारे में, अपने साहित्यिक लेखन के बारे में हमें बताएं। आपने किन किन कवियों को, लेखकों को पढ़ा और लेखन की प्रेरणा प्राप्त की, और आपने क्या क्या लिखा है अब तक? आप अपनी कुछ कविताएं भी इस दौरान चाहें तो आप हमें सुना सकती हैं। मैं एक बात खाली कहना चाहूंगी आपसे, पहली वाली बात पर भी, कि मैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में भी काम, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको मैं बताना चाहती हूँ, और जिसमें मैं लड़कियों के साथ जो इतने कांड हो रहे हैं उसके बारे में लड़कियों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने एक संस्था बनाई और मैं गांव के विलेजेस में जाके स्कूल में, मेरे उसमें डॉक्टर, सोशल वर्कर, वकील और ऐसे हैं, और स्कूल की प्रिंसिपल, ये सब मिलके हम लोग जाके लड़कियों को अवेयरनेस कर रहे थे। ये कोविड के समय ही मैंने शुरू किया था, कोविड के जस्ट पहले, और अभी मैं नेशनल लेवल में फेडरेशन ऑफ गायनिक सोसाइटी द्वारा एक नेशनल ट्रेनर हूँ इसकी। तो उसमें हम लोगों का एम था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में 15,000 स्कूलों में टीनेज बच्चों को, 8वीं क्लास से 10वीं 12वीं क्लास तक के बच्चों को और लड़कों को भी इसके बारे में जागरूक करना, ताकि हम लोग समाज को का जो सोच है वो बदल सके। तो ये कार्य चल रहा था और इसमें मेरी साहित्यिक बहनों ने भी साथ दिया, जो प्रिंसिपल भी हैं और साहित्य में भी हैं। डॉक्टर आशा गुप्ता, समाज में महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति जो हिंसा का व्यवहार एक बड़ी समस्या का रूप निरंतर ग्रहण करता जा रहा है, जिसकी रोकथाम की चेष्टाओं में भी हम सभी जुटे हुए हैं। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं और इन वारदातों में संलग्न लोगों की धरपकड़ भी हुई है, उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसने पास को भी है। तो आपने इस क्षेत्र में काम किया है, अपनी संस्था आपने बनाई है, ये जानकर बहुत हमें खुशी हुई। और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाज इस प्रसंग को लेकर संवेदनशील बने और हमारी जो संस्कृति के जो स्वर हैं, जो अच्छी बातें हैं, बच्चों के प्रति सदा सहायता का भाव रखना, नारी के प्रति सम्मान का भाव रखना, समाज में उनको समुचित स्थान प्रदान करना, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में लोगों की जो आत्मिक चेतना है तो उसमें प्रेम और सद्भाव का भाव जो है वो निरंतर कायम हो, बच्चों के प्रति और महिलाओं के प्रति। और मुझे लगता है कि आज ये सबसे बड़ी समस्या है और लोगों के हृदय में, उनके मन में क्यों इस तरह की विकृतियां आ रही हैं, जिससे नारी अपराध, नारी के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध की घटनाएं समाज में घट रही हैं, तो इसके बारे में छानबीन की जानी चाहिए और समाजशास्त्रियों को इस बारे में लिखा जाना चाहिए और
निरंतर अखबारों में, मीडिया में इस आशय से संबंधित खबरों का भी, लेखों का भी प्रकाशन हो रहा है और बहुत सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रवृत्तियां समाज को विघटन की ओर ले जाएंगी। बच्चों का भरोसा अगर समाज के ऊपर से उठ जाता है, महिलाएं जो हैं समाज में अपने आप को अगर असुरक्षित समझने लगती हैं, उनकी सक्रियता खत्म हो जाती है, उनका आत्मविश्वास अगर टिक जाता है, तो फिर हमारा समाज जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। भारत में लोकतंत्र को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में सुरक्षित माहौल बने, और आप इन सब कार्यों में आपने अपनी भागीदारी निभाई है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अब मैं साहित्य की तरफ आती हूँ। आपको बताना चाहूंगी कि मैं जब छोटी थी, स्कूल में ही थी, मेरे पिताजी को जो पोस्ट पे तो थे ही, अच्छे पोस्ट पे, बट वो राष्ट्रीय स्तर पर वो कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन HEC के कर्मचारियों के लिए करवाते और जनता के लिए करवाते थे। रांची में एक मैदान है, शहीद मैदान, वहां होता था। वहां पे रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल नीरज, ये सब आते थे। मैं बहुत ही छोटी सी थी और मैं अपने पिता के साथ जाके, मेरे पिता भी मंच पे बैठते थे उनके साथ, और मैं भी जाके बगल में मंच पे बैठती थी और उनको सुनती तो बड़ी मुग्ध होती थी, उनका हाव भाव देखती थी। फिर बार बार होता ही रहता था, साल में एक आध बार, एक बार जरूरी होता था। और मेरे घर में पिताजी उन लोग को, बड़े कवियों को अपने घर में बुलाते और उनके खाने पियाने का व्यवस्था होता और एक महफिल सी हमारे घर में जमती, तो मेरी माँ भी उसमें लगती। मेरे पिता को बहुत इंटरेस्ट था, तो उससे मेरी को बड़ा अच्छा लगता। अब मैं उनका पैर छुई हूँ और ऐसा है कि मेरे सौभाग्य है कि मैं ऐसे बड़े कवियों का मैंने बचपन में पैर छुआ और उनका आशीर्वाद पाया। आप सौभाग्यशाली हैं, इस मायने में, मायनों में आप बेहद सौभाग्यशाली हैं कि आपको हिंदी के महान लेखकों के चरण स्पर्श का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद मिला है। चीज का फल है। मैं जो भी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं अपने कलम से मैं छोटी छोटी लाइनें लिखने की कोशिश करती थी। तो मेरे पिता को पता चला था तो वो चुपचाप मुझे और कुछ किताबें लाके दे दिया करते थे, और कवियों के और इंग्लिश हिंदी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी से किताबें लाते थे, वो सभी भी मैं पढ़ती थी। तो इस तरह मेरा लिटरेचर पे भी झुकाव था, लेकिन मेरा लक्ष्य था डॉक्टर ही बनना और लिटरेचर पर मेरा झुकाव था। फिर भी मैं लिखती थी, वो डायरी में ही पड़ा रहता था और या इधर उधर रहता था या डायरी में पड़ा रहता था। और जब मैं मेडिकल एंट्रेंस में आई, शायद विवाह वगैरह हो गया, तो भी कविताएं बहुत ज्यादा लिख के फिर मैं उस समय प्रेम की कविताएं लिखता या ऐसे कुछ हुआ तो मैं लिख के डालती थी। तब मैं संजीवस कॉलेज में थी, तो संजीवस कॉलेज में, रांची के संजीवस कॉलेज में मैंने 12th किया। उसमें फादर कामिल बुलके, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल, वो बेल्जियम के हिंदी से भी थे और वो मेरे के दोस्त थे। मेरे पिताजी बेल्जियम वगैरह गए थे तो उनसे अपनी भाषा में बात, उनकी भाषा में बात करते थे, तो वो हमारे घर भी आते थे। वो गुरु हम लोग को रश्मि रथी पढ़ाते थे, तो दिनकर की जो का जो खंड काव्य है, हाँ, उसको पढ़ाते थे और उसका इतना सुंदर वो विस्तार से हम लोग को समझाते थे कि हम लोग क्लास में सारे जो छात्र छात्राएं थे मुग्ध हो जाते थे, क्योंकि साइंस के साथ हिंदी भी हमारा सब्जेक्ट था, तो हम लोग एकदम मुग्ध हो जाते थे। और वो उनको पता था कि मैं हिंदी रांची में हिंदी साहित्य से संबंधित जो गतिविधियां इस शहर के भीतर रही हैं, उसका जो स्वर्णिम दौर जो रहा है, तो उस दौर की आप यादें जो हैं आज आपसे बातचीत करते हुए सजीव हो उठी हैं। फादर कामिल बुलके जब रांची में जब थे, तो उस वक्त मेरे पिताजी भी वहाँ नौकरी करते थे, बाद में वो सहरसा आ गए डिप्टी कलेक्टर बनकर, लेकिन शायद उस समय वो रांची में ही थे,
क्योंकि कभी कभी वही साहित्यिक संगोष्ठियों वगैरह की चर्चाओं के क्रम में उन्हें वो याद करते थे। बहुत तो अच्छा लगा डॉक्टर आशा गुप्ता, आपसे इन सब जानकर रांची शहर के बारे में कि बिल्कुल आपके भीतर साहित्यिक संस्कारों को का उन्नयन कैसे हुआ, समावेश कैसे हुआ, और आपने आपके शायद पिताजी भी इसीलिए। साहित्य से हार्दिक हाँ तो लगाव रखने वाले व्यक्तित्व में थे। उस नगर के HEC के उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में वहां उन्होंने साहित्य से संबंधित आयोजनों को संपन्न उन्हें बहुत विस्तार दिखाया मेरे पिता किया। ने बहुत। आपको ये भी जान के जानना बताना चाहूंगी कि मैं कथक की मैं डांस पूरी नृत्य जानती, उसका फुल ट्रेनिंग मैंने लिया हुआ है। मेरे अच्छा, पिता और माता ने हमें हर तरह से संवारने का कोशिश किया कि कोई भी चीज बच्ची के अंदर कला भी रहे और समाज सेवा भी रहे। तो इसके लिए मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ अपने माता पिता को जिन्होंने इतना सुंदर बचपन मुझे दिया, इतना सुंदर मुझे रास्ता दिखाया। तो सचमुच मैं बहुत आभारी रहूंगी। और फादर कामिल बुल के मेरी डायरी लेके पढ़ जानते थे तो मैं डायरी लेके पढ़ते थे, बोलते थे तुम डॉक्टर तो बनेगी लेकिन तुम लिखना मत छोड़ना। तो अब लेकिन मैं राजीव जी बताना चाहूंगी, लिख तो रही थी लेकिन कहीं किस कॉलेज के मैगजीन में आता था या कुछ फंक्शन हुआ उसमें कुछ बोल दिया, लेकिन साहित्य में बाकायदा समाज में साहित्य में आने का अवसर मैंने बहुत दिन बाद पाया या बहुत दिन बाद किया। क्योंकि मैं जब नौकरी करने लगी, बच्चों को देखना, बड़े बूढ़े माता पिता को देखना, तो मैं खाली कागज के पुर्जे या प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर लाइनें लिख लिख के रखती थी, कहीं कहीं इधर उधर हो जाते थे वो पेपर्स, और मैं उसका बॉदर भी नहीं करती थी और मैं वैसे ही लिखती रहती थी। बस जो मन में आया लिख दिया, जब मन में आया लिख दिया, और इस तरह से जिंदगी चली। फिर एक घटना हुई करीब 2000 के आसपास कि मैं एक जमशेदपुर में एक संस्था, बहुभाषी संस्था का जस्ट अब 25 साल बाद हम लोग बनाने जाएंगे उसका। तो उस बहुभाषी संस्था सहयोग में मैं लोगों ने मुझे आमंत्रित किया कि डॉक्टर आशा गुप्ता आप आइए थोड़ा कविता वगैरह पढ़िए। तो मैं उसमें पढ़ने लगी। आज मैं उस संस्था की ट्रस्टी हूं। मैं उस संस्था को हम लोगों ने क्या रजिस्ट्रेशन कराया, नाम है संस्था का? सहयोग बहुभाषी संस्था, अच्छा, संयोग बहुभाषी। संस्था जमशेदपुर की। फिर मैं एक बार खेल डॉक्टर आशा गुप्ता जी, आपसे रांची और जमशेदपुर के साहित्यिक परिवेश के बारे में जानने का मौका मिला। मैं चाहता हूं कि अब आप अपनी कविताएं हमें सुनाएं। कार्यक्रम में अब बहुत ज्यादा और समय नहीं दो बच बात रहा है। बोलना चाहूंगी। दो बात, मेरी पहली ऑनर साहित्य में यूएसए से मिला क्योंकि मैंने मेल में एक लिख दिया था poetry.com में एक कविता भेजी थी, अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। उस कविता को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पोएट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसको ऑनर देने के लिए मुझे ऑरलैंडो बुलाया और मुझे डिस्टिंग्विश मेंबरशिप का सदस्य दिया, लाइफ लाइन सदस्यता दिया, मुझे गोल्ड का पिन दिया, मैं आईडी दी। ये मेरा सबसे पहला साहित्य का अवार्ड था। और अच्छा, उसके ये जब पता, ये पेपर मीडिया को पता चला तो पूरा इंग्लिश पेपर वालों ने, हिंदी पेपर वालों ने पूरा निकाल दिया। और जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची अपने कार्य में, हम लोग की मीटिंग वगैरह चलती थी, तो वहां एक डॉक्टर ने उठ के अनाउंस किया। और सोच लीजिए कि हम लोग का करीब 80-90 डॉक्टर्स होंगे हम लोग, और सब उठ के ताली मचाने लगे और मेरे आंखों में आंसू आ गया कि ये देखो क्या हो गया। हाँ, कि मेरी कविता के लिए इतना अप्रिशिएशन लोगों का। तो ये करके मैंने, ये मेरे लिए तो जैसे लगता है कि भगवान ने दरवाजा खोल दिया। और इसके बाद मैं संस्थाओं से जुड़ती गई। अखिल भारतीय साहित्यिक संस्था है जिससे मैं 2002 में जुड़ी, और उसके थ्रू मैं, उस संस्था के थ्रू मैं अभी झारखंड प्रदेश प्रभारी हूँ और इंद्रप्रस्थ की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैंने देश विदेशों में अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस, दुबई,
ऑस्ट्रेलिया सब जगह शिरकत किया साहित्य के नाम पे, साहित्य के से मैंने शिरकत किया। मेरी दो किताबें हैं, मैं लेके रखी थी लेकिन अभी भूल गई, उधर कहीं रखा हुआ है, आशा की किरण और आशा का आकाश छपा है। और मैं अभी बहुत दिनों से इधर किताब नहीं आई क्योंकि मैं कोविड में बहुत ही काम कर रही थी और मैं उस समय करके भी मैं किताब की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था, तो मुझे कोविड वॉरियर का भी सम्मान मिला और प्रभात खबर ने भी मुझे कोविड डॉक्टर सम्मान दिया कोविड में सेवा के लिए। और मैं साथ में लघु कथाएं, संस्मरण, हेल्थ आर्टिकल सब आज 2500 साल से 3500 साल से लिखते आ रही हूँ। तो मैं जब कार्य थी तो ये काम शुरू से करते आ रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ और मुझे इसमें आनंद लगता है। मैं लगता कि मैं समाज को बराबर कुछ देना चाहती हूँ। बिल्कुल, लेखक समाज के लिए लिखते हैं और आपने स्वास्थ्य और के अलावा आपने साहित्य की जो विधाएं हैं, संस्मरण, काव्य और कविताएं, ये सब लेख, ये सब आपने लिखा है, ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूं कि अब कार्यक्रम में बहुत कम समय बच रहा है, आप अपनी कोई एक कविता हमें सुनाएं। मैं मां सरस्वती के नाम से चार लाइन बोल के फिर एक कविता सुनाऊंगी बसंत पे, हिंदी में। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखती लेकिन हिंदी की कविता सुनाऊंगी। हाँ सुनाइए। जय माँ शारदे। अवतरण दिवस माँ शारदे वसुंधरा करे सिंगार, अवतरण दिवस माँ शारदे का वसुधा करे सिंगार, सिंदूरी दिवस बसंत पंचमी प्रकृति के प्रकृति आंगन में आई बहार, सिंदूरी दिवस बसंत पंचमी प्रकृति के आंगन में आई बहार, केसरिया सा रंग लिए खिले पलाश वन में, केसरिया सा रंग लिए खिले पलाश वन में, उड़े पराग बिखेरे सुगंध, छेड़ी है माँ शारदा ने बीड़ा की तार, छेड़ी है माँ शारदा ने बीड़ा की तार, फूल फूल सुगंध बाग बसंत बहार, धरती मुस्कार रही कर रही सिंगार, धरती मुस्कार रही कर रही सिंगार। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद माता को नमन करते हुए मैं अभी हाल ही में लिखी हुई कविता सुनाती हूँ। जस्ट अ मिनट। ऋतुराज। धीमी होते जीवन गति धीमी होती जीवन गति भरो नई उमंग सब में, धीमी हुई जीवन गति भरो उमंग भरो नई उमंग सब में, स्पंदित जड़ टहनिया वसुधाए मुस्काए जग में, स्पंदित जड़ टहनिया वसुधा मुस्काए जग में, प्रेम नगर में ढूंढे प्रीतम बन जा रहा फागुन रंग, प्रेम नगर में ढूंढे प्रीतम बन जा रहा फागुन रंग, कुहू कुहू कोयलिया पुकारती है उपवन में, सुखपा पुष्प झूमते हैं बासंती धुन में, दीप लौ सी जिंदगी संभले आंधी इस जग में, दीप लौ से जिंदगी संभले आंधी इस जग में, ईश्वर का वरदान है मानव जन्म धरती पर, ईश्वर का वरदान है मानव जन्म धरती पर, जुझे स्नेह विश्वास से चुनौती हटाते पग में, जुझे स्नेह विश्वास से चुनौती हटाते जग में, थिरकन से हर से मधुवन नव जीवन तरंग में, भ्रमर दल भी कर रहे गुंजन मद भरे चमन में, महकाने को सांसों को मंद प्यार चल रही माँ शारदे वीणा वादिनी आशीष फले तन मन में, माँ शारदे वीणा वादिनी आशीष फले तन मन में, सिंदूरी दिवस फागनी प्रकृति के आंगन में, केसरिया सा रंग लिए खिले पिलाश वन में, उड़ते पराग देखो चहू उड़ते पराग बिखेरे सुगंध चहू दिशाएं, पंछी चहके आओ ऋतुराज खिले हर सहर मन में, पंछी चहके आओ ऋतुराज खिले हर सहर मन में, ऋतुराज की चतुरंगी सेना हंसती है इस जग में, तम हटा प्रकृति लगती है प्रकाश इस जग में,
दम हटा प्रकृति लाती है प्रकाश इस जग में, बासंती परिधान देख नाचते खक धरा गगन में, लो आ गया बसंत, लो आ गया बसंत, मदन हंसो इस जग में, मदन हंसो इस जग में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस कविता को सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बसंत के बारे में कविता सुनकर। आपने बसंत ऋतु की जो सुंदरता है उसका वर्णन तो इस कविता में किया ही है, साथ ही इस ऋतु में प्रकृति में जो प्रेम और जो जीवन की नई आभा ये सब जो प्रकट होती है, तो इसको भी आपने बहुत ही सुंदरता से सजीवता से चित्रित किया है। और आपकी कविताओं को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे आपके मन में प्रकृति के प्रति विशेष अनुराग का भाव विद्यमान है और वसंत प्रकृति के प्रति प्रेम के भाव को सबके हृदय में जागृत करता है और प्रकृति को बचाने का संदेश भी देता है, क्योंकि आज प्रकृति जो है वो संकट से चतुर्दिक घिरी हुई है। और बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल प्रकृति हमें सारी बातों की शिक्षा देती है, जीवन की क्या जो स्पंदन है उसके बारे में बताती है, जो नैसर्गिक जीवन है हम लोगों का इस सृष्टि में प्रकृति उसके बारे में हमें उसकी ओर तरफ हमारे हमें उन्मुख करती है। डॉक्टर आशा गुप्ता, हम अपने अगले कार्यक्रम में आपसे फिर बातचीत करेंगे, आज आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई अपने व्यस्त कार्यक्रम में, आप अमेरिका में हैं इस वक्त और वहां से आपने कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए हम आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं जनसरोकार मंच की ओर से। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में और आपसे हम आपके काव्य पाठ आयोजित करेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, आपको सादर अभिवादन नमस्कार। आप लोग को भी सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।